आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह घनाभ के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ और मजेदार उदाहरण देखेंगे। तुम यहाँ छत पर क्या कर रहे हो? हमारी पानी की टंकी बहुत छोटी है। पिताजी ने मुझे इस टंकी में कितना पानी भर सकता है उसको ज्ञात करने को कहा है, ताकि हम इससे और बड़ी टंकी लगवा सके। लेकिन मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं ये कैसे ज्ञात करूँ। बस इतनी सी बात, ये तो हम गणित का उपयोग करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब ये गणित का समय है। मानस, ये टंकी घनाभाकार है। जब ये पूर्णतः भरी होती है तब पानी इसके भीतर मौजूद पूर्ण जगह घेर लेता है। अच्छा, और इसके भीतर मौजूद पूर्ण जगह तो इसके आयतन के बराबर होगी। अब मैं समझ गया। इसका मतलब मुझे इस पूर्णतः भरी टंकी में मौजूद पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए केवल इस घनाभाकार टंकी का आयतन ज्ञात करना होगा। चलो हम एक काम करते हैं, तुम इस टंकी के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो और मैं इसकी ऊंचाई नाप लेता हूँ। दोनों दोस्त अपने अपने गणित में जुट गए। क्योंकि टंकी घनाभाकार है, टंकी का आधार आयताकार होगा। इस आयताकार आधार की लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। इसका मतलब इस आयताकार आधार का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल, या 6 × 4 24 वर्ग मीटर है। चलो मैं झट से इस टंकी की ऊंचाई इस नाप के फीते का इस्तेमाल करके ज्ञात कर लूं। टंकी की ऊंचाई 4.5 मीटर है। थॉमस, टंकी के आधार का क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर है और टंकी की ऊंचाई 4.5 मीटर है। हम जानते हैं कि किसी भी घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए हम उसके आधार के क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से गुणा करेंगे। अरे वाह, अब बस हमें इस सूत्र में टंकी के आधार का क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई लिखनी होगी। देखो मानस, टंकी का आयतन 108 घन मीटर है। तो क्या मैं पिताजी से जाकर कह दूं कि हमें 108 घन मीटर से अधिक आयतन की टंकी की आवश्यकता है? अरे नहीं मानस, टंकी के आयतन को हम लीटर में व्यक्त करते हैं, इसलिए हमें इस घन मीटर को लीटर में व्यक्त करना होगा। दोस्तों, यदि एक घन मीटर 1000 लीटर के बराबर है, तो क्या आप ये टंकी कितने लीटर आयतन की है ये ज्ञात कर सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका हल ढूंढ सकते हैं। एक घन मीटर 1000 लीटर के बराबर है, इसलिए 108 घन मीटर 108 × 1000 108,000 लीटर के बराबर होगा। तुम्हारे पिताजी को इमारत के लिए 108,000 लीटर से अधिक आयतन की टंकी की आवश्यकता है। चलो अब हम जल्दी से अपनी दुनिया में लौट चले। मुझे पिताजी को टंकी का आयतन भी तो बताना है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने घनाभ के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पर आधारित कुछ और मजेदार उदाहरण देखे।
तो उम्मीद है कि अब आपको घनाभ के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की अच्छी समझ हो गई होगी।